नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रंगीलो झुंझुनू। तस्वीरें सीकर के गोरिया स्टैंड से हैं, जहां कहारों की ढाणी के पास में ये पंडाल सजा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे और आपको ज्ञात भी होगा कि एक लोकप्रिय बाबा महाराज धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर धाम सरकार जिन्हें बोला जाता है, वो आज सीकर की इस धरा पर इसी पंडाल में आएंगे। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और पूरा यहाँ का जो माहौल है भक्तिमय हो चुका है। कल रात से ही लोग यहाँ इस पंडाल में आकर अपनी जगह है पाने के चक्कर में जल्दी रात को आके बैठ गए थे। और जैसा कहा जाता है कि बागेश्वर धाम सरकार या धीरेन्द्र शास्त्री जहाँ भी जाते हैं और अपना दिव्य दरबार लगाते हैं, वहाँ काफ़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। लेकिन अगर बात सीकर के इस दिव्य दरबार की जाए तो अभी लगभग 8:30 बजे का टाइम है और 5 से 7 हज़ार लोगों की संख्या, श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ दिखाई दे रही है। जबकि आयोजकों द्वारा ये आंकलन किया गया था कि 5 लाख लोगों की भीड़ यहाँ इकट्ठा होगी। एक डोम बीच में बनाया गया है, देख पा रहे होंगे आप, ये वाटरप्रूफ टेंट है और इसके दोनों साइड में कुछ और पंडाल बनाया गया है जो पूरे तरीके से खाली नज़र आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो लगभग 70 बाउंसर हैं, एक सिक्योरिटी एजेंसी को काम दिया गया है, लगभग 70 बाउंसर हैं वो यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को भी संभालेंगे। इसके अलावा पुलिस प्रशासन के द्वारा भी पुलिस कर्मियों की ड्यूटी यहाँ लगाई गई है, जो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे इसके लिए काम करेंगे। अब 9 बजे का आयोजकों द्वारा एक समय दिया गया है कि 9 बजे के लगभग तारपुरा हवाई पट्टी जो है वहाँ चार्टर प्लेन से ये बागेश्वर बाबा लैंड करेंगे।